Hello students, welcome to Core Academy. In today's lecture, I would like to discuss some good problems based on pair of linear equations or ऐसी equations जो directly तो linear equations नहीं होती है but we can reduce them into the linear equations. Last lecture में मैंने आपको बताया था कि how can we deal with such equations. Such equation means equations reducible to linear equations. तो सर word problems करने से क्या फायदा होगा? देखो, पहली चीज तो ये कि मैं आपको अभी word problems क्यों discuss कर रहा हूँ, इसका जवाब मुझे देना है, क्योंकि in my teaching career I have seen that students usually ask such problems. They used to say that कि सर direct equations जब होती है ना तब हम ज्यादा comfortable होते हैं, लेकिन जैसे ही word problems आ जाती है तो हमें थोड़ी सी परेशानी आती है. आपको अगर याद होगा तो शायद मैंने लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उसमें भी मैंने आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी. क्यों? इसी वजह से डिस्कस की थी. अब कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूं सो दैट यू कैन एनहेंस द एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, 5 to 6 और ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो आप लोग यूजुअली पूछा करते हैं, आप लोग मतलब जो भी हर साल बच्चे 10th में होते हैं. ठीक है, तो मैं पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं. तो मैं बता देता हूं क्या कर रहे हैं हम लोग. वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. नाउ यू मस्ट थिंक दैट व्हाई डिड आई राइट बेस्ड ऑन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, व्हाई डिडंट आई यूज लीनियर इक्वेशंस, बिकॉज आई नो दैट in the problems which I am going to discuss, it may be possible that they are not directly linear equations. They may be reducible to linear equations. So let's start. Question number 1. Problem hai, a boat goes 24 kilometer upstream and 28 kilometer downstream. You may write the problem. Maine, you must write the problem and pause the video and solve the problem, then see the discussion. A boat goes 24 km upstream and 28 km downstream in 6 hours. It goes 30 km upstream. It goes 30 km upstream and 21 km downstream. In six and a half hours. Find the speed of the boat. देखो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो ये सब नहीं लिखता ना, लेकिन अभी लिखना पड़ रहा है. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर, इन स्टिल वॉटर एंड ऑल्सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स में होने वाली दिक्कतों को बताया था कि क्या दिक्कतें आपको आती है. तो फिर आपस से रिकॉल कर दूं, अगर ये बहती नदी है, इसका फ्लो ऐसे है और फ्लो हमने मेजर किया 2 km/h. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द बेसिक थिंग विच इज हिडन इन दिस क्वेश्चन. You must understand that first. मान लो ये नदी बह रही है 2 km/h से. अब मैं यहां पर कोई लकड़ी का गट्टा डाल दूं या लकड़ी का टुकड़ा डाल दूं, which will not sink, डूबेगा नहीं, तो क्या देखूंगा एक घंटे बाद? अगर मैंने अपने दोस्त को आगे जाकर के खड़ा किया या हमने कुछ ऐसी टेक्निक यूज की, तो एक घंटे बाद ये कहां पहुंच जाएगा? यहां से 2 km आगे. लेकिन एक बोट, ये बोट है, ये बोट अगर स्टिल वाटर सॉरी फ्लोइंग वाटर में, ऐसे बहते हुए पानी में, और बोट के इंजन को स्टार्ट नहीं किया जाए, तो एक घंटे बाद ये भी कहां पहुंच जाएगी? 2 km आगे. लेकिन अगर बोट अपना इंजन स्टार्ट कर दे और उस इंजन की एबिलिटी ये है कि वो 3 km/h से चलती है, तो यानी 3 km तो वो चल ही रही है, नदी उसको धक्का दे रही है, तो एक घंटे में मान लीजिए बोट की स्पीड 3 km/h है और बोट इधर जाना चाहती है, नदी उसको अपने आप धक्का दे रही है, तो इफेक्टिव स्पीड यानी बोट अब की बार
5 किलोमीटर पर आवर यानी एक घंटे में 5 किलोमीटर मूव कर चुके हो। अब उल्टा सोचो, इसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम ही होता है। मान लो बोट इधर जाना चाहे, अब सोचो अगर बोट 3 किलोमीटर पर आवर से इधर जाना चाह रही है लेकिन पानी उसको इधर धकेलना चाह रहा है, देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव स्पीड, द इफेक्टिव स्पीड विल बी 1 किलोमीटर पर आवर। क्यों, ये तो बेचारी 3 किलोमीटर का पुश यानी धक्का लगा रही है आगे की तरफ लेकिन पानी उसको ऐसे धक्का लगा रहा है। अब आप सोचो कि अगर कोई 3 लोग मुझे इधर धक्का दे रहे हो, 2 इधर से धक्का दे रहे हो, तो क्या होगा इफेक्टिवली, और तीनों के धक्के और इधर 2 जो धक्का दे रहे हैं सबकी अगर एफिशिएंसी बराबर है पुश करने की, तो क्या होगा 3 इधर 2 इधर, तो इधर के 2 का और इधर के 2 का नल हो जाएगा और इधर का जो 1 होगा वो इफेक्टिव होगा। तो 3 इधर पुश कर रहे हैं, 2 इधर पुश कर रहे हैं, तो यानी स्पीड आएगी 1 किलोमीटर पर आवर। बाकी आप फिजिक्स में इसको बेटर समझते हैं, तो इसको कहेंगे अपस्ट्रीम। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ये वाटर स्टिल होता तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, क्योंकि बोट की स्पीड यहां छिपाई गई है, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, और इसको मैंने रिकॉल भी करवाया है सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे नालायक हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा और इस लेक्चर में वो जाग गए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए फायदेमंद हो सके। मैं आपको जो भी 5 to 6 प्रॉब्लम्स कराऊंगा सब अलग अलग टाइप की होंगी। पहला टाइप ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, तो पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ। अब वर्ड प्रॉब्लम्स का जो मेन थिंग होता है वो ये होता है कि जो पूछा है ना पहले इसको अज्यूम कर लो। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर, लेट इट बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट इट बी वाई किलोमीटर पर आवर। एवरीथिंग मस्ट बी फेल, आपको फील करना है। कैसे फील करना है, कि यहां सर नदी दिख रही है, नदी जो फ्लो कर रही है, तो स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या मानी, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी जो बह रही है, स्ट्रीम मतलब धारा, दैट इज विद द स्पीड y किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर, क्योंकि जो बोट बिकेगी वो उसकी स्टिल वॉटर में एफिशिएंसी के हिसाब से बिकेगी मार्केट में, ये है x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, जब इक्वेशन बन जाएगी तो उसको सॉल्व करो एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब आप बोट में बैठ जाओ, बोट को चालू करो, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओ, तो कुछ टाइम लगेगा, फिर 24 ऐसे गए, नदी ऐसे फ्लो कर रही है, 24 ऐसे गए, फिर 28 डाउनस्ट्रीम आए, कितना टाइम लगा, 6 घंटा। कुल मिलाकर के हमें इसका टाइम प्लस इसका टाइम इक्वल टू 6 आवर्स करना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो केस वन, व्हाट इज केस वन, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ऐसे सिंबल आप बना सकते हो, एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इट टेक्स 6 आवर्स। तो जब डिस्टेंस ये हो गई, अब आपको क्या चाहिए, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम इक्वल टू 6 लिखना है। ये वाला टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों जब वो अपस्ट्रीम जाएगी तो बोट तो जाना चाहती है x से लेकिन पानी फेंक रहा है उसको y से, तो क्या हो गया, x माइनस y। बोट जाना चाहती है x से, पानी धक्का दे रहा है y से, तो इफेक्टिव x माइनस y प्लस 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तब ऐसे अगर बोट आ रही है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब ऐसे आएगी तो बोट की स्पीड जो x है स्टिल वॉटर में वो प्लस नदी का धक्का x प्लस y विच इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 6 आवर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब आपको पता लग रहा है कौन सी इक्वेशन है, लीनियर तो नहीं है लेकिन रिड्यूसिबल टू लीनियर है। अभी देखे जाओ केस टू को डिस्कस करते हैं। केस टू सेज दैट इफ इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम अब इसके जैसा ही होगा एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सो 30 अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, तो बोट जाना चाहिए x से, नदी पुश करेगी y से, तो क्या हो गया x माइनस y प्लस 6.5 घंटे का हिसाब लेना है ना। अब 21 किलोमीटर 21 अपॉन, बोट जाना चाहती इधर, नदी भी इधर, तो क्या हो गया x प्लस y, कितना 6.5 घंटे, 6 एंड हाफ
सिक्स एंड हाफ, 12 प्लस 1 13 बाय, या साढ़े छह भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, 6.5 भी लिख सकते हो। अब कहानी यह है कि हमें x और y के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दीज आर नॉट द, दिस इज नॉट द पेयर ऑफ, ये लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस तो ऐसी होती है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब ऐसी नहीं है, x और y तो नीचे है, तो क्या करें सर? अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, बहुत अच्छे से घूरें, ऑब्जर्व करना मतलब इसको आप अच्छे से घूरो, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज इट, व्हाट इट इज, 1 अपॉन x माइनस y इधर भी है, 1 अपॉन x माइनस y इधर भी है, 1 अपॉन x प्लस y इधर भी है, 1 अपॉन x प्लस y भी इधर भी है। अब आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी इक्वेशंस आ जाएं, तब या तो ऐसी इक्वेशंस को रिड्यूस करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। कैसे रिड्यूस करोगे? 1 अपॉन x माइनस y दोनों में है, इसको p लूंगा, 1 अपॉन x p लूंगा, मतलब p अज्यूम करूंगा, p नहीं लूंगा, p और 1 अपॉन x प्लस y को q। नाउ द इक्वेशंस रिड्यूस टू 24 इंटू p, 24 इंटू 1 अपॉन x माइनस y प्लस 28 q इज इक्वल टू 6, इट इज इक्वेशन नंबर 3। फिर 30p, हाउ इट इज 30p, 30 इंटू 1 अपॉन x माइनस y प्लस 21q, 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 13/2, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बट आई डू नॉट लाइक दिस वे बिकॉज इट टेक्स टाइम। सो व्हाट डू आई डू, या व्हाट यूजुअली आई डू, मैं ना अपना दिमाग थोड़ा अच्छे से चलाता हूं और एलिमिनेशन यहीं पर सोच लेता हूं। सर इधर 1 अपॉन x माइनस y, क्योंकि आप जब एलिमिनेट करते थे या एलिमिनेशन करते थे तो x या y के कोएफिशिएंट को सेम करते थे। अभी मैं क्या चालाकी करूंगा, यहां x और y डायरेक्टली तो है, तो 1 अपॉन x माइनस y का कोएफिशिएंट 24, यहां है 30। तो बच्चों मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो 24 और 30 को सेम बनाऊं, मैं टारगेट कर रहा हूं किसको, 1 अपॉन x माइनस y को, या फिर इसको टारगेट करो। तो आप देखो ये 4 से डिवाइड करने पर यहां 7 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई करने का ही ना सोचो, मतलब हमेशा मल्टीप्लाई करने का ही मत सोचो कि सर 28 और 21 का एलसीएम हम सोच लें। इधर देखो, इसको 6 बनाया जा सकता है, इसको भी 6 बनाया जा सकता है, ये 6 का बनेगा जब डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये 7 और ये भी 7 बन सकता है, तो मैं वही करूं, तो मैंने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय, क्या कर रहा हूं मैं, पहले मैं 1 अपॉन x माइनस y के पीछे पड़ा था, आपकी मर्जी है, 1 अपॉन x माइनस y के पीछे पड़ रहा हूं, इसको क्या बनाना चाहता हूं 6, और इसको सर ये आपको अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो 4 और ये 5, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो 6 से। नाउ ईच टर्म विल बी डिवाइडेड बाय 6, एक सेकंड, इसको 6 बना लेना तो 4, ठीक है। तो एलसीएम ना सोच करके मैं एक्सीएफ सोच रहा हूं कि विच नंबर कैन बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ 24 एंड 30, तो 6 आ सकता है, 6 4 6 5, तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो व्हाट डू आई गेट, 4 से डिवाइड किया तो 24 बाय 4, 6 अपॉन x माइनस y, 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 28 बाय 4, 7 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 6 बाय 4, दैट इज 3 बाय 2। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय, हो सकता है इस मेथड में कई बच्चे कंफर्टेबल ना हो, तो मैंने आपको बता रखा है ना कि p और q में बदल करके भी कर सकते हो, 30 अपॉन x माइनस y, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, मुझे यहां 6 लेना है, सेम बना लेना कोएफिशिएंट, तो 5 से डिवाइड किया, तो क्या हो गया 30 बाय 5, 6 अपॉन x माइनस y प्लस 21 बाय 5, थोड़ा सा इरिटेटिंग है पर चल जाएगा, x प्लस y और 13 बाय 10, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब इंटू 1 बाय 5 कर रहे हैं। अब क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट करते सर ये खल्लास, अब इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन x प्लस y इंटू 7, तो यानी 1 अपॉन x प्लस y इंटू 7 माइनस 21 बाय 5 is equal to 3 by 2 minus 13 by 10. अब 1 upon x plus y 35 minus 21 14 by 5, ठीक है, is equal to 10 LCM लिया, 5 जा तो 15 minus 13, what do I get, I get 1 upon x plus y into 14 by 5 is equal to 2 by 10 which is cancelled by 5, cancelled, 1 upon x plus y is equal to 1 upon 14, hence
x plus y equal to 14. करना सॉल्व x और y को है भी, तो वी हैव गॉट x plus y equal to 14. अब क्या करूंगा, x plus y की वैल्यू कहीं पर भी रख दो आपको x minus y भी मिल जाएगा. सो आई एम रबिंग इट, आई हैव गॉट x plus y equal to 14. पुट x plus y equal to 14 in any of the equations. So I decided to put it in equation number 1. X plus y equal to 14. So in 1, 24 upon x minus y plus 28 upon 14 is equal to 6. 2's are 24 upon x minus y is equal to 4. So x minus y is equal to 6. Now we have got two things. X plus y is equal to 14. X minus y is equal to 6. अब ये आपके लेफ्ट हैंड की इस फिंगर का कमांड है. क्या करोगे, एड कर दो. 2x is equal to 20. What is this? This is elimination. The same method we have used earlier in this question. So x is equal to 10. What is x? X is speed of the boat in still water. जब बंदा बोट लेने गया तो उसको बताया कि ये ना ठहरे हुए पानी में एक घंटे में 10 किलोमीटर चल सकती है. और y क्या होगा, किसी में भी रख दो. यहां रखा 10, तो सॉरी x रखा 10, तो y कितना हो गया 4. कहीं भी रख दो, you will get the same result. तो we have got the answer that speed of boat x यानी 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम नदी की जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर. इफ यू डाउट इन दिस सॉल्यूशन यू मैं चेक इट. कैसे चेक करोगे, टेकिंग दीज स्पीड्स यू कैन मैच एवरीथिंग. लाइक बोट 10, स्ट्रीम 4, तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, तो अपस्ट्रीम जाएगा तब बोट जाना चाह रही 10 से, 24 बाय 6 प्लस डाउनस्ट्रीम में एड हो जाएगा 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. एक सेकंड मैंने गलत कर दिया, तो ये 10 एंड 4 14 कितना आया, 4 2 कितना आया, 6 आवर्स. यू मैं चेक इट. सो वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम है x टेक्स 3 आवर्स, x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर. बट if x doubles his pace he is ahead y by 1.5 hours. find their speeds of walking. बच्चों हर स्टूडेंट का किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में रिएक्शन अलग अलग होता है, ठीक है, तो अलग अलग होता है. अब अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो पता है मैं यहां पर 5 मिनट का आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करता कि आपको हंसी आती. तो चलो कर लेते हैं. x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर. क्या है कि दो बुढ़ऊ हैं जो कि डेली घूमते हैं, बुढ़ऊ बोलो या ऐसे बोलो जो कि अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दौड़ करके. बुढ़ऊ तो 30 किलोमीटर चल नहीं पाएंगे, ठीक है. तो x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक. तो अब ना हम उन दोनों पर्सन मिस्टर x और मिस्टर y की स्पीड जानना चाहते हैं. तो हमने उस एरिया के लोगों से पूछा कि भाई किस स्पीड से वो चलते हैं, तो उन लोगों ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा करके. मैंने आपको क्या बोला था, इस चैप्टर में आपको पहेलियां मिलेगी, पहेलियों से आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर सॉल्व करना है. x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर. बट इफ x डबल्स हिज पेस, व्हाट डू यू मीन बाय पेस. x की मान लो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर सपोज, हालांकि इतना हो नहीं सकता पर अगर है, जो भी है एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो अब
10 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, बट इफ ही डबल्स हिज पेस मतलब अब क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. इफ एक्स डबल्स हिज पेस देन ही इज अहेड वाई बाय 1.5 आवर्स. ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग. तो लेट स्पीड ऑफ एक्स एक्स किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कैपिटल वाई इज वाई किलोमीटर पर आवर. अब जो पूछा है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डील करने की स्टेप नंबर वन जो पूछा है उनको अज्यूम करो. ठीक है, तो अब एक्स टेक्स 3 आवर्स मोर देन वाई टू वॉक 30 किलोमीटर. इस लाइन को पढ़ करके आपको क्या, देखो एक बार तो मैं पहले आपको बोल चुका हूं कि जब क्वेश्चन पूरा मैं बोल दूं तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर डिस्कशन देखो. अब x takes 3 hours more than y to walk 30 किलोमीटर means यहां कंपेरिजन किसका हो रहा है, टाइम का. तो बच्चों दोनों का क्या निकालें, टाइम, और कंपेयर कर दें, देन वी विल गेट द इक्वेशन. तो केस वन, टाइम टेकन बाय मिस्टर x, डिस्टेंस 30, स्पीड x, द सेम बाय y, यानी y कितना है, क्योंकि दोनों के टाइम में कंपेरिजन है ना. पहले आपको एक और प्रॉब्लम आती थी, सर ठीक है वर्ड प्रॉब्लम समझ भी जाता है लेकिन हम लोग इक्वेशन नहीं बना पाते हैं. तो ये 50-60% बच्चों की प्रॉब्लम रहती है. तो मैं आपको बोलूं कि आप शुरू में ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत टाइम दो, आपको अच्छा लगेगा बाद में. तो यहां पढ़ करके समझ आया कि सर टाइम के बीच में कंपेरिजन हो रहा है. तो वाई का टाइम क्या हो गया, 30/y. ठीक है, अब एक्स टेक्स 3 आवर्स मोर देन वाई, यानी एक्स को ज्यादा टाइम लग रहा है किससे, वाई से. तो x का टाइम प्लस 3 आवर्स इज इक्वल टू y का टाइम. x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर. नाउ वी हैव गॉट द इक्वेशन विच इज 30/x - 30/y इज इक्वल टू -3. आई कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, आई कैन डिवाइड बाय 10, सो आई गेट, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 10/x - 10/y इज इक्वल टू -1. This is equation number one. अब दूसरा केस पढ़ते हैं, बन गई ना देखो इक्वेशन. अब इतना तो आपको पता लगेगा कि सर इट इज नॉट गोइंग टू बी लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन. अब अगला केस है इफ x डबल्स हिज स्पीड, यानी x स्पीड कितनी बन गई, 2x. इफ x डबल्स हिज पेस Then he is ahead y, पहले x y से पीछे था, x को 3 घंटे ज्यादा लगते थे, तो y की स्पीड अभी भी वही है, कितनी y. तो x का टाइम, मिस्टर x का टाइम क्या हो जाएगा, 30/2x. और y का टाइम, अभी भी दोनों के टाइम के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, y's टाइम हो जाएगा 30/y. अब क्या बोल रहे हैं, x is ahead of ahead y by 1.5 hour, यानी x कम टाइम ले रहा है तो y ज्यादा ले रहा है, यानी y का टाइम प्लस 3/2, y का टाइम आवर्स में प्लस 3/2 इज इक्वल टू x का टाइम. ये सही है कि गलत है, वापस से देखो, x का टाइम, x टेक 3 आवर्स मोर. ये बच्चों मैंने यहां पर भी गलती की है, देखो ये अब मेरे से गलती हुई ना तो आप समझो कि आपसे भी गलती हो सकती है. अभी कब पता लगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखो क्या गड़बड़ हुई है, x takes 3 hours more than y to walk, तो यानी x को ज्यादा टाइम लग रहा है, और अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, x का टाइम प्लस, तो ये y का टाइम, ये y का टाइम था, तो यहां क्या आना चाहिए, -3. तो ये हो गया 30/x - 30/y इज इक्वल टू 3, सो इट विल बी 1. इसको करेक्ट कर देना, समझ रहे हो ना, x का टाइम 3 घंटे ज्यादा है तो ये x का टाइम और ये y का टाइम, तो y का टाइम कम होना चाहिए ना, so 3 hours - 3. अब x का टाइम इतना है और y का टाइम इतना है, क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बोला ना गुड प्रॉब्लम्स, ये इसीलिए अच्छी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने आपको सेलेक्ट करके बताइए. ही इज अहेड y बाय 1.5 आवर. तो अब x जो है वो कम टाइम ले रहा है, यानी y का टाइम -3/2 करोगे तो x का टाइम आएगा. सो व्हाट इज द इक्वेशन, द इक्वेशन बिकम्स 30/2x, इसको आप 15/x कर लो, 15/x
या इसको इधर ले आओ, 15 बाय एक्स माइनस का फिर प्लस का 30 बाय वाई इज इक्वल टू 3 बाय 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, जो गलती हुई है उसको आप एनालाइज करना, जब मेरे से भी गलती होगी तो आपसे भी हो सकती है। अब मुझे जो सॉल्व करना है, मेरे पास जो इक्वेशंस हैं उनको मैं रिकॉल करता हूं, इक्वेशंस को रीराइट करता हूं। पहली इक्वेशन है 10 बाय एक्स माइनस 10 बाय वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है माइनस 15 बाय एक्स प्लस 30 बाय वाई इज इक्वल टू 3 बाय 2। अब यहां ध्यान से देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करो, माइनस 5 बाय एक्स प्लस 10 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस 5 बाय एक्स प्लस 10 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय 2, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, लीनियर इक्वेशंस तो है नहीं, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, 1 बाय वाई के साथ माइनस 10, 1 बाय वाई के साथ प्लस 10, डायरेक्ट एलिमिनेशन मिल रहा है तो कर दो, पी और क्यू लेकर के क्यों बेवजह टाइम बढ़ाए। 10 बाय एक्स, 10 इंटू 1 बाय एक्स में से 5 इंटू 1 बाय एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, क्या कर रहा हूं, एड कर रहा हूं, एड, ठीक है, तो 1.5 3 बाय 2, तो बच्चों एक्स आ गया 10 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस एक्स को कहीं भी रख दो, ठीक है, इस एक्स को कहीं भी रख दो, तो एक्स को मैं इस वाली इक्वेशन रख देता हूं, पुट एक्स इक्वल टू 10 बाय 3 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, आई गेट, आई पुट इट इन 1, 10 बाय 10 बाय 3 माइनस 10 बाय y इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 10 बाय y इज इक्वल टू 1, सो 10 बाय y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। सो द फाइनल आंसर इज स्पीड ऑफ x, देयर वॉकिंग स्पीड, स्पीड ऑफ x कितना आया 10 बाय 3 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ y आया 5 किलोमीटर पर आवर। If you have any doubt, you may check it. ठीक है? तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। X takes 3 hours more than Y to walk 30 km. पहले कुछ नहीं हुआ, जो जो स्पीड थी, तो 30 किलोमीटर में X का टाइम कितना जा रहा है? 30 upon 10 by 3. Speed, distance upon speed. तो टाइम आ जाएगा 9 hours. और 30 upon 5 कितना आया? 6. तो Y का टाइम 6, X का टाइम 9 hours. X takes 3 hours more than Y to walk 30 km. ठीक है? अब आप ये कहो कि सर आप भी तो गलती करते हो, तो बच्चों ये तो मैं आपको बता दूं कि कई बार होता है ऐसा, क्योंकि ऐसा अगर होता, और मैं अपनी गलती को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करता हूं, सो देट यू कैन लर्न कि मिस्टेक्स कैसे होती है। ये भी हो सकता है कि ये गलती पकड़ में ना आती, लेकिन अगर आप जब करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है दैट वी डिड सम काइंड ऑफ मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, A train covered a certain distance. A train covered a certain distance at uniform speed. If the train would Would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than
the scheduled time. Less than the scheduled time. And if the train was slower by, if the train was slower by 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है. मैंने आपको बोला था सारी प्रॉब्लम्स में अच्छे अच्छे दूंगा. कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग रही है, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट भी है. मुझसे भी पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है. लेकिन आपको ये सीखना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जाता है. अ ट्रेन कवर्ड, फील द ट्रेन, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड. होती होगी कुछ उसकी स्पीड, डिस्टेंस भी सर्टेन होगी, मुझे नहीं पता कितनी, शायद वो वही पूछेगा. If the train would have been 6 km/h faster, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड पहले अगर 30 थी तो अब 36 कर दी जा रही है. ठीक है, 50 थी तो 56 कर दी जा रही है, हमें नहीं पता कितनी थी. तो डेफिनेटली इफ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो टाइम विल रिड्यूस, टाइम कम होगा. तो इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. एक ट्रेन जो ए टू बी जाया करती थी, ए टू बी की डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड फिक्स थी ट्रेन की, तो जितना टाइम लगता था, अब डिस्टेंस कितनी थी, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी, ये डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है, पहली की फॉर्म में बताया जा रहा है. अगर हमने स्टेशन मास्टर से पूछा कि डिस्टेंस कितनी है ए टू बी और स्पीड कितनी है, तो उसने कहा कि अगर ट्रेन की स्पीड 6 km/h बढ़ा दो तो उसको 4 घंटे कम लगेगा, और अगर ट्रेन की स्पीड 6 km/h डिक्रीज कर दो तो टाइम 6 घंटे ज्यादा लगेगा. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द जर्नी जो पूछा है उसको अज्यूम कर लो. लेट लेंथ ऑफ द जर्नी बी डी किलोमीटर, ये पूछा था. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है वो. तो सबसे पहली बात, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास नहीं है, कैसे करें, तो आप इसको भी मानोगे. लेट इस क्वेश्चन से आप एक बहुत मजेदार चीज सीखोगे. लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि हमारे पास नहीं पूछा तो यही है, लेकिन इसकी दम पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें स्पीड भी लगेगी. स्पीड लगेगी तभी तो हम उसको कम ज्यादा कर पाएंगे. ठीक है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो शेड्यूल्ड टाइम कितना आ जाएगा. जो चीजें अपन जब हम लोग जानने गए कि कितनी डिस्टेंस है और कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, तो हमें घुमा फिरा करके जवाब दिया गया, तो एक्चुअल में शेड्यूल्ड टाइम कितना था. शेड्यूल्ड टाइम था डी अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब केस वन, डी और एक्स जानना है. वैसे जानना तो डी है, पर बिना एक्स हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. उसने कहा कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन फास्टर, यानी कि अब आपको ये तो पता लग ही गया कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें डिस्टेंस स्पीड और टाइम का खेला है. तो आपको हर टाइम इक्वेशन बनाते टाइम डिस्टेंस स्पीड और टाइम तीनों को मैनेज करके चलना है. स्पीड कर दी जा रही है कितनी, एक्स प्लस 6, तो टाइम कितना हो गया शेड्यूल्ड टाइम से 4 घंटे कम. शेड्यूल्ड टाइम कितना था, डी बाई एक्स आवर्स. ठीक है, अब इसको आप रिलेट कैसे करोगे, तो रिलेट ऐसे करेंगे सर, अगर डिस्टेंस इससे ट्रेवल होती है डी, तो टाइम कितना लगता है, डी बाई एक्स माइनस टाइम में कंपेरिजन किया, इक्वेशन बन गई. इक्वेशन क्या बनी, डी अपॉन एक्स प्लस 6 माइनस डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस, इक्वेशन नंबर
केस नंबर टू। केस नंबर टू पे आते हैं, स्पीड कितनी कर दी जाए, x माइनस सिक्स। देखो, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम इज 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। शेड्यूल्ड टाइम कितना था, d बाय x यूजुअली लिया करती थी प्लस 6। तो क्या हो गया, ये वाले टाइम को लाना है, तो ये वाले डिस्टेंस इस स्पीड से ट्रेवल हो तो टाइम लग रहा है। ये इक्वेशन बन गई d अपॉन x माइनस 6 माइनस d अपॉन x इज इक्वल टू 6। बच्चों, मैंने आपको बोला था ना कि मैं कुछ आपको यहां से सिखाऊंगा। अगर मैं सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करता तो मैं आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं कराता। मैं आपको बोलता कि स्पीड x मान लो और टाइम शेड्यूल्ड टाइम t मान लो, स्पीड सर्टेन स्पीड जो है सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड मान लो x और टाइम मान लो y। लेकिन फिर वो वाली बात खत्म हो जाती कि सर आप तो हमेशा ये कहते हो कि क्वेश्चन पढ़ के जो पूछा जाता है पहले उसको अज्यूम करो, इसलिए मैंने वैसे नहीं बताया। अब आप दोनों की शक्लें देखो, ये 1 अपॉन x प्लस 6, 1 अपॉन x माइनस 6, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, ऊपर से d और तंग कर रहे हैं। तो अब आप एक काम करो, यहां पर ये जो d अपॉन x है और यहां पर जो d अपॉन x है, मैं यहां पर अगर इसको डील करता हूं तो हाउ कैन आई डू दैट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर d अपॉन x एलिमिनेट हो जाएगा। थोड़ा अजीब ही टाइप की प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन से आप कुछ सीखोगे, क्या सीखोगे वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा, बट अभी मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि हाउ शुड आई सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे वीडियो को पॉज करके, तो ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म को हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था कि अगर सर ऐसा कुछ आता 3 अपॉन x प्लस 6 प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5, 3 अपॉन x प्लस 6 माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 10, अगर ऐसा कुछ आता तो देखो 1 अपॉन x प्लस 6 को p ले लेते, 1 अपॉन x को q ले लेते, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ। तो यहां पर कौन कौन तंग कर रहा है, d भी तंग कर रहा है। अब कैसे करें, तो एकदम डिफरेंट मेथड में आपको बता रहा हूं। ये जो भी मैंने आपको बताया मेथड नहीं, मतलब आपको सीखना है अभी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी उनको मैं लिख दे रहा हूं, d अपॉन x प्लस 6 माइनस d अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है d अपॉन x माइनस 6 प्लस सॉरी माइनस d अपॉन x इज इक्वल टू 6। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो व्हाट डू आई गेट, सेपरेट करूंगा तो ये प्लस माइनस में चला जाएगा, ये माइनस प्लस में चला जाएगा और ये सेपरेट। ठीक है, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस, डी इंटू 1 अपॉन x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 6 और ये एलिमिनेट हो गया इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब क्या कर लूंगा, अब यहां पर इनको सिंप्लीफाई किया, x माइनस 6 माइनस x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, यह पूरा लिख सकते हो इंटू एक्स माइनस 6। अब देखते जाना क्या होने वाला है, आगे उलझने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में ये कैंसिल हो गया तो कितना आया, माइनस 12 बी माइनस 6 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 5 जा, 2 से 6 जा, तो 6d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6d इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब क्या करोगे, ठीक है देखो मैं तो कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, ये जो d की वैल्यू आई, इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बट बच्चों आपको एकदम अजीब लग रहा होगा, पुट दिस d, क्योंकि ऐसा एक भी क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया, इसको आप x माइनस 6 इंटू x प्लस 6 ही रहने दो। अब 1 में पुट किया तो क्या आएगा,
put this d in 1, to d ki jagah 5 by 6 x minus 6 into x plus 6 upon x plus 6 minus d ki jagah 5 by 6 x minus 6 into x plus 6 upon x is equal to minus x plus 6 से x plus 6 cancel हुआ, फिर जब आप इसको solve करोगे तो आपको ही मिलेगा quadratic equation, ठीक है। अब अगर मैं चाहता तो आपको पहले ही solution की तरफ ले जाता। अब आप एक चीज याद रखेंगे कि tip always avoid assuming distance। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर आप ऐसी 20 प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, जहां पर भी डिस्टेंस की बात है, अवॉइड इट टू अज्यूम द अननोन डिस्टेंसेस एक्स और डी जो भी आप देते हैं, तो आप इस मुसीबत से बच जाएंगे। हमेशा स्पीड और टाइम को ही लेकर के चले। मैं चाहता, मैंने आपको पहले भी, मैं किसी बार बोल रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट भी सॉल्यूशन बता सकता बच्चों, लेकिन मैं यहां पर आपको गाइड तैयार करने नहीं बैठा हूं। मुझे आपको सिखाना है, गलती हुई फंसे तब जाकर के हम एनालाइज हुआ कि अब हम दोबारा डिस्टेंस को, मैं चाहता तो ये चीज आपको दोबारा भी सॉरी स्टार्टिंग में भी लिखवा सकता था लेकिन नहीं लिखवा। अब देखो क्या मानेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा वो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है कि जो पूछा है उसको अज्यूम किया जाए। नाउ लेट यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर, अब देखो कैसे होगा, और शेड्यूल्ड टाइम बी टी आवर्स, y आवर्स भी ले सकते हो, t में फील आती है टी ले। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ो। जो आप जानना चाह रहे थे वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द जर्नी। अगर आपको सर्टेन डिस्टेंस पता नहीं है तो आपने यूनिफॉर्म स्पीड को ले लिया, टाइम ले लिया, तो जो आपसे पूछा है वो क्या हो जाएगा, tx अपने से पूछा है। तो tx कब आएगा, जब t और x ढूंढेंगे। अब समझ आया कि सर दो वेरिएबल आ गए t और x। अब क्वेश्चन बनाते हैं। केस वन, यूजुअली ट्रेन जो चला करती थी x स्पीड से चला करती थी, t टाइम लेती थी। केस वन, स्पीड 6 किलोमीटर फास्टर, टाइम यूजुअल टाइम से 4 घंटे कम, 4 hours less than the scheduled time। तो अब equation कैसे बनाए, तो बच्चों इस speed से चले कितने time तक चले, तो जो distance travel करेगी वो वही थी जो पहले usually daily किया करती थी। अब पता है ऐसे जो मैं फटफट लिख देता हूँ ये आपसे नहीं लिखा जाता, तो reason आप देखो ना, आप इनको ले रहे हो, आपके पास यहाँ पर tx है, यहाँ पर tx है, अब आप क्या ला सकते हो, इधर आप डिस्कस कर रहे हो स्पीड और टाइम, इधर स्पीड और टाइम, तो डिस्टेंस को कंपेयर करो कि सर डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल हो रही ना हर केस में, स्पीड और टाइम को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस यूजुअली ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब आप देखो क्या आया, tx माइनस 4x प्लस 6t माइनस 24 इज इक्वल टू tx, tx से tx निपट गया, माइनस 4x प्लस 6t इज इक्वल टू 24। अब किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 2 से करो, माइनस 2 से डिवाइड किया तो 2x माइनस 3t माइनस 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स बने। केस 2, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दीजिए, वर्स लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम जो है शेड्यूल्ड टाइम से 6 घंटे ज्यादा लगता है, 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। अब की बार वही हिसाब, इस स्पीड से चले इतने टाइम के लिए चले तो डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी सेम, क्या हो गया, tx प्लस 6x माइनस 6t माइनस 36 इज इक्वल टू tx, क्या आया 6x माइनस 6t इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 6 x माइनस t इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ये बात अगर पहले बताता ना बच्चों तो इतना मजा नहीं आता, आपने आपको सीखने को नहीं मिलता। अब मेरे पास कितनी सिंपल इक्वेशंस हैं टू सॉल्व, अब इनको सॉल्व करता हूं। तो इक्वेशंस जो सॉल्व करने की हैं वो मैं लिख लेता हूं। ऑन रीराइटिंग द इक्वेशंस, पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर 2 है
x माइनस t इज इक्वल टू 6. x का कोएफिशिएंट 2, तो इधर भी 2 बना दो, 2 2 12. ठीक है, क्या करूंगा, 2x 2x एड करने से तो बात नहीं बनेगी, सब्ट्रैक्ट करने से बात बनेगी. ये निपट लिया, माइनस 3t प्लस 2t माइनस t, माइनस 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 24, कितना आया, t इज इक्वल टू 24 आवर्स. ठीक है, अब उसके बाद में t इक्वल टू 24 आवर्स किसी भी इक्वेशन में रख दो, x कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखो कि वो जो ट्रेन थी वो 30 किलोमीटर पर आवर से चला करती थी, यहां रखा ना मैंने 24 इधर आएगा तो 30 हो गया. वो ट्रेन जो चला करती थी 30 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि पैसेंजर ट्रेन होगी, और 24 आवर्स लेती थी, तो डिस्टेंस कवर्ड, यानी यूजुअल डिस्टेंस कितनी होगी, इस स्पीड से दिल्ली चला करती थी इतना टाइम लेती थी, 30 × 24 स्पीड × टाइम कितना आ गया, 720 किलोमीटर. ठीक है, अब अगर आपको ये 720 किलोमीटर आ गया आंसर, ये आपका सर्टेन डिस्टेंस. अब डेफिनेटली आपको अगर डाउट हुआ है ना तो आप चेक भी कर सकते हो. तो बच्चों अब आपको केवल डिस्टेंस पूछी थी, तो आप देखो, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव, अब आप देखो सब चीजें आपके सामने है, इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर. तो 720 की स्पीड अगर 36 से ट्रेवल करवाओगे, पहले टाइम कितना लगता था 24 घंटे, अब की बार टाइम कितना लगेगा 20, तो 4 घंटे कम लगा कि नहीं लगा, लगा ना, ऐसी केस टू भी आप डेली कर सकते हैं. ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, जब आप क्लास में पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन पता है मैं कब कराता हूं, जिस दिन टेस्ट का अनाउंसमेंट होता है, ये चैप्टर पूरा हो चुका होता है, उस दिन मैं आपके मजे लेने के लिए प्रॉब्लम कर रहा हूं. लेकिन चूंकि आज अभी मेरे सामने आप नहीं हो तो मैं इस तरीके से करवा रहा हूं. जितने भी प्रॉब्लम्स आज हम करेंगे वो सभी के सभी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं. बोर्ड लेवल की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस इतनी डिफिकल्ट नहीं होती हैं, इस लेवल की नहीं होती हैं. लेकिन क्यों करवा रहे हो सर फिर भी आप, ताकि आपकी जो रीजनिंग है वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के वो इंप्रूव हो, एनहेंस हो. अगली प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, एक और मजेदार प्रॉब्लम है. एट मेन एंड 12 बॉयज, ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन होता है बच्चों का, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by 1 man alone and that by 1 boy alone. To finish the work. Okay. देखो इस टाइप के बाद में मुझे नहीं लगता कि किसी भी मतलब एनसीईआरटी की किसी भी प्रॉब्लम, रेफरेंस बुक की किसी भी प्रॉब्लम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है, क्योंकि हमने सारे टाइप कवर कर लिया, डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला कवर कर लिया, एज वाला कवर कर लिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कवर कर लिया, हमने आर्टिकल की कॉस्ट वाला कवर कर लिया, और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनता. आपको कैसे पता लगेगा, जब आप कोचिंग से शीट लोगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको लगेगा एक भी ऐसा टाइप नहीं है प्रॉब्लम का जो कि हमने टच नहीं किया. इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव यही था, इसमें प्रॉब्लम्स हालांकि मैंने डिफिकल्ट रखी हैं, लेकिन
वेरियस यानी डाइवर्सिटी हमने मेंटेन की है कि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स कराऊं ताकि आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें कंफर्टेबल रह सके। अब इसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूं, इसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी मैन वर्क और डेज वाले क्वेश्चन हो, यानी मैन एंड डेज वाले क्वेश्चन हो, तब आपको ये पता होना चाहिए, हिंट है इसको आप याद रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन वर्क एंड डे ऑलवेज माइंड क्या ध्यान रखें, हाउ मच वर्क अ पर्सन, इट मे बी मैन, इट मे बी वुमन, इट मे बी बॉय, जो कि मेंशन है क्वेश्चन में, हाउ मच वर्क अ पर्सन कैन डू इन अ वर्क इन अ डे सर। या इसी का ऑल्टरनेट कि वो जो बंदा है मैन वुमेन या बॉय वो पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है सर, यही तो पूछा है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले अगर आप अभी मेरे सामने होते तो मैं बड़ा मजा लेता, एक ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बहुत मजेदार प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ में आ जाती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि चार आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, आई रिपीट, 4 men can do a work in 5 days. So I want to ask that 1 man alone will do the work, do the same work in kitne days? Ye aapko bata. Kitne days? 20 days. Kai logon ne to 5/4 days bola. Aisa kyun ho raha hai? Feel karna. Char aadmi, imagine karo. 5 दिन तक भिड़े हुए हैं। अब अगर अकेला भिड़ेगा तो 4 आदमी 5 दिन तक भिड़े हुए हैं ना, तो पहले दिन का जो काम है वो उस अकेले आदमी को 4 दिन तक भिड़ना पड़ेगा, तब जाके वो 4 के बराबर कर पाएगा। इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी आगे से ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई केस हो तो मल्टीप्लाई करता है। तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं अभी, आप क्या करना, मेरी बात सुनना और जवाब देने की कोशिश करना। ठीक है, 2 men can complete a work. Work कोई भी हो सकता है, किसी चीज को बनाना या कोई भी है। 2 men can complete a work in 5 days. तो 1 man alone will complete that work in 10 days. आगे समझ, देखो मैं सुन लेता हूं आप लोगों की बात है। अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूं। मान लो एक बंदा एक काम को 20 दिन में करता है, तो उसी के जैसा एक और बंदा ले आए तो कितना टाइम लगेगा, 10 days। तो यानी यहां पर बच्चों आपको फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूलाज के लिए वेट नहीं करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, क्योंकि कॉमन सेंस आप हमेशा लगाओगे तो कभी भी आपको मैथमेटिक्स से चिड़, किसी भी सब्जेक्ट से चिड़ नहीं होगी। तो आगे से आप याद रखना, और हिंट हमेशा इस बात से मतलब होना चाहिए या फिर उस मेन को कितना टाइम लगेगा या उस बॉय को उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. Case number 1. While 6 men and 8 boys can finish it in 14 days, find the time taken by 1 man alone and that of by 1 boy alone to finish the work. Let 1 man, मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा ऐसा? आपको ये पता होना चाहिए how much work a person can do in a day or how much time a person takes, कि एक बंदा उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। इफ अभी भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, इफ अ मैन कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days, एक बंदा किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो 10 दिन तक भिड़ेगा वो, तो बताओ उसके एक दिन का काम क्या होगा, 1/10। तो इसको बोलते हैं एफिशियंसी, एफिशियंसी ऑफ द मैन क्या हो जाएगी, 10 दिन तक वो लगा हुआ है तो एक काम को 10 दिन तक कर रहा है। इसको ऐसे सोचो कि एक बंदे को टास्क दिया गया कि भाई तुझे ना 100 बॉक्स बनाने, अब वो 100 बॉक्स बनाने में 10 दिन ले रहा है, हर दिन बराबर काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा, 10 ना, यानी 1/10 टास्क किया उसने, 1/10। तो एक मैन, 1 man कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, एफिशियंसी ऑफ द मैन हो जाएगा 1/10 वर्क पर डे,
इसको एफिशिएंसी कहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम में हमेशा या तो आप इसको याद रख लो या यूज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। और एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन बाय द मैन पर डे, वर्क डन बाय द बॉय पर डे। ठीक है, तो मैं यहां लूंगा लेट वन मैन अलोन। और ये कैसे रिलेटेड है? अगर एक बंदा 20 दिन में करेगा तो उसकी एफिशिएंसी 1/20 वर्क पर डे। एक बंदा 50 दिन में करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या है? 1/50 वर्क। वो एक दिन में उस वर्क का जिसको वो 50 दिन में कर रहा था उसका 1/50th पोर्शन एक दिन में निपटा रहा है, तभी तो 1/50 प्लस 1/50, तीसरे दिन 1/50, चौथे दिन 1/50 एंड सो ऑन 50 डेज तक क्या हो जाएगा? वर्क एक पूरा हो जाएगा, यानी वन वर्क पूरा हो जाएगा। वन मैन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, यही तो पूछा था, इन एक्स डेज। ये अपने को लेना पड़ेगा, यही पूछा तो एफिशिएंसी ऑफ मैन क्या हो गया? एफिशिएंसी ऑफ मैन, फिर बोल दूं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा एफिशिएंसी से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। 1/x वर्क पर डे, एक दिन में एक बंदा इतना काम कर देगा। वन बॉय अलोन, इसको भी लेट करना है यानी एज्यूम करें, वही तो पूछा था कि अकेला लड़का कितने दिन में पूरा करेगा। तो वन बॉय अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन y डेज, हम लेकर के चल रहे हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ बॉय कितना हो गया? एफिशिएंसी ऑफ बॉय यानी जो लड़का है वो एक दिन में 1/y वर्क करता है, तभी जाकर के y डेज में पूरा काम कर पाए। बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। तो इतने देर से जो मैं पकड़ पकड़ कर रहा था बच्चों, उसका मोटिव यही था कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए ऑलवेज हैंडल दीज प्रॉब्लम्स टेकिंग एफिशिएंसी। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आओगे ना, तब ना ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 7 घंटे में भर सकता है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी? एक मोटर की 1/10 टंकी पर आवर और दूसरे की 1/7 टंकी पर आवर, टैंक जिसको बोलते हैं। ओके, अब ना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। स्टार्ट कैसे करना है हमेशा याद रखना, 1/x और 1/y, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, यही आपने लिख लिया होगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो मैन की एफिशिएंसी हिंट भी आपने लिख लिया होगा, एफिशिएंसी ऑफ मैन, ये सॉल्यूशन एफिशिएंसी ऑफ मैन है, एक दिन में 1/x वर्क निपटाता है, और दैट ऑफ बॉय की एफिशिएंसी है 1/y वर्क पर डे निपटाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। 8 मैन 12 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, 8 आदमी भिड़े हुए हैं, एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में? ठीक है, तो 8 आदमी कितना? फिर 12 लड़के भी भिड़े हुए हैं, एक लड़का कितना करता है? ये 12 लड़के भिड़े हुए हैं, तो 8/x प्लस 12/y, ये कितने दिन का काम है? एक दिन का। एक दिन में एक बंदा 1/x करता है और एक लड़का 1/y करता है, तो 8 आदमी भिड़े तो इतना काम हुआ, प्लस अभी काम और हो रहा है 12 लड़के भिड़े, ये एक दिन का काम है। तो एक दिन में ये जो ग्रुप है ये 10 दिन में उस काम को निपटाता है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10, क्योंकि एक दिन का काम है। या फिर इनको 10 दिन तक भिड़ाओ, ये जो सिस्टम डेली चल रहा है इसको 10 दिन तक भिड़ाओगे तो एक काम है, ये आपके ऊपर है, बट आई सजेस्ट कि आप ऐसे ही करें जैसे कि मैं अभी कर रहा था। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. तो 8 men भिड़े हुए हैं, एक आदमी 1/x काम करता है, तो 8/x काम उस दिन होगा, प्लस 12 लड़की 12 लड़कों के कारण 12/y, ये एक दिन का काम है। तो इस ग्रुप का एक दिन का काम कितना है? 1/10, क्यों? 10 दिन तक काम करते हैं काम पूरा करने के लिए, तो एक दिन में 1/10, 1/10। इक्वेशन नंबर 1, इसको आप रीअरेंज कर लो, अच्छे से अरेंज कर लो, ठीक है, किससे डिवाइड कर सकते हो? 4 से, या रहने दो यहीं पर। इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, व्हाइल 6 मेन एंड 8 बॉयज, व्हाइल 6 मेन, केस 2, 6 मेन प्लस 8 बॉयज, 6 आदमी भिड़े, एक आदमी काम, सारे आदमी एक जैसे माने जाते हैं, फिर 8 बॉयज 8/5, ये इनके एक इस ग्रुप के एक दिन का काम, और ये ग्रुप कितने दिन लेता है?
14 इज कितना आ गया 1/14 इक्वेशन नंबर समझ गए। तो बच्चों अगर आप एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपको दूंगा होमवर्क में, अब उसको करना आपसे बनेगी। तो ये दोनों हो गई, अब ये लीनियर तो है नहीं, अब लीनियर नहीं है तो आपको पता है कैसे हैंडल किया जाता है, यहां 8/x है यहां 6/x है, तो 1/x के पीछे पड़ जाओ, इसको मैं 24 बना सकता हूं, इसको भी 24 बना सकता हूं, तो बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैं 102 को रीराइट कर लेता हूं, इधर ही लिख लेता हूं। सो इक्वेशन नंबर 1 है 8/x + 12/y = 1/10, दिस इज 1। मुझे इधर जगह चाहिए, ठीक। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, क्योंकि मैं पीछे पढ़ चुका हूं कि हियर आई वांट 24, आप इसके भी पीछे पढ़ सकते हो, इसको 24 इसको 24 बनाओ, इट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है। 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो पहले 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, व्हाट डू आई गेट 3, तो 24 अपॉन एक्स 36 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/10 बिकॉज इट इज 1/10, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 इंटू 4 बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट 24, तो 6 इंटू 4 24 अपॉन एक्स प्लस 8, हाँ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना, 8/4 = 32 अपॉन y इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, 4/14, इसको क्या लिख सकता हूं 2/7। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 24, 36 3/10, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से 24, 32 4/14 मतलब 2/7। अब क्या करेंगे सर, ये तो उड़ेगा, एलिमिनेट एलिमिनेशन सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है 36/y - 32/y, 36 इतने में से 32 इतना माइनस करूंगा तो 4/4 टाइम्स ऑफ 1/y बचेगा, इधर 3/10 - 2/7 आपको y मिल जाएगा। y पता है क्या था, एक लड़का उस काम को कितने देर में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो 4/y इज इक्वल टू इधर एलसीएम लिया मैंने कितना 1/70 4/y is equal to 1/70, so y is equal to 280. यानी एक लड़का अकेला उस काम को कितने दिन लेगा करने में 280 days. अब put y equal to 280 in any of the equation, किसी में भी रख दो जिसमें मन करे, तो 1 में रख दो। 8/x + 12/280 1/10 ये आपका गया 4 से 3 बार 4 से 70 बार 8/x = 1/10 - 3/70 एलसीएम 70 7 - 3 है ना, कितना आ गया 4/70 8/x = 4/70 एक्स कितना आया 140, ठीक है आंसर क्या आ गया 140 and 280। तो अ मैन can complete the work, answer लिख रहा हूं मैं, a man can complete the work in how many days, x 140 days, while a boy can complete the work in 280 days, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो जैसे कि हम हर बार करते हैं। अब समझ में आया होगा तो आज के लेक्चर से आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ 5 to 10 प्रॉब्लम्स अलग से दूंगा, आप उनको सॉल्व करना, ठीक है, या आपको मैं बता दूंगा कि कहां से प्रॉब्लम करनी है। आज के लेक्चर में हमने नया कुछ पढ़ा नहीं, बस वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की और जितनी बुरी या डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बन सकती थी मैंने आपको बना करके दी है, यानी सॉल्व करवाई है, इनसे आप सीखना, जहां डाउट आए वहां पूछना। अगले लेक्चर में होगा हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टिल दैट आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स एंड आई होप दैट यू विल कंप्लीट एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सक्लूडिंग ग्राफिकल मेथड के अलावा आप सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एवरीवन।